हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रीजन कमांड और यहाँ पर स्टिच कमांड के बारे में। तो इन दोनों कमांड्स का क्या यूज है आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आप ब्रिस्केट सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट मिस्टर राकेश राव जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो डिजाइन सेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं और इंडिया में ब्रिस्केट सॉफ्टवेयर के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दे दी है, आप इस नंबर पे इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको ब्रिस्केट सॉफ्टवेयर परचेज करना है या अगर आपको कोई भी ब्रिस्केट से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कीजिए। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रीजन कमांड। तो रीजन कमांड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अगर हमें कोई ओपन एरिया दिया हुआ उसको अगर क्लोज सरफेस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर रीजन कमांड लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगल लेता हूँ मैं यहाँ पर ये, और उसके बाद में इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर तीन चार। तो CO एंटर करेंगे कॉपी कमांड के लिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, यहाँ पर बेस पॉइंट ये दे देता हूँ कॉपी का, फर्स्ट ये कर लेता हूँ कॉपी, सेकंड ये, थर्ड ये, एस्केप की दबाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, EXT एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ 200 एंटर। तो ये 200 के हेड पे मैंने एक्सट्रूड कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगल के ऊपर रीजन कमांड अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा ओपन रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ पर रीजन कमांड लेता हूँ, यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो हमारा ओपन एरिया था ये क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर अगर हमें इसको सरफेस में अगर कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है कन्वर्ट टू सरफेस, तो आप यहाँ पर सरफेस टाइप कीजिए तो आपके पास यहाँ पर ये कमांड आ जाएगी कन्वर्ट टू सरफेस, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, तो अब यहाँ पर ये हमारा सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम आ गया सरफेस प्लानर। तो इसी तरह हम इसकी एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इसकी यहाँ पर ये। तो अब मैं यहाँ पर एक्सट्रूड सरफेस कमांड लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ 200 वैल्यू तक, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव कर लेते हैं, M एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, M एंटर करता हूँ, इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये मूव कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों एक जैसे बॉक्सेस बन गए हैं, मगर ये तो हमने क्रिएट किया था सॉलिड बॉक्स और ये हमने क्रिएट किया था सरफेस के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सरफेस आया हुआ है। तो अभी अगर आपको इनको तीनों जो सरफेस है अलग अलग इनको अगर एक साथ ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टिच कमांड का यूज़ करेंगे। तो स्टिच कमांड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये तीनों सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सभी सरफेस सिंगल सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर रीजन कमांड और स्टिच कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय बाय।